में अमृत लेकर प्रकट हुए और अमृत लिए तो दैत्यों ने छीन लिया, फिर मोहिनी भगवान ने अमृत का बंटवारा ठीक ठीक से कराया, देवताओं को पिलाया अमृत और राक्षसों को पानी पिलाते रहे, बस मुस्कुरा दे उनकी तरफ देख के वो इतने ही में खुश थे, तुम तो मुस्कुराते रहो हमें देख के बस। राक्षसों को भगवान ने अमृत नहीं पिलाया, क्यों? कारण था कि अच्छे लोग अमर हो जाएं अच्छी बात है, बुरे लोग अमर हो जाएंगे तो ये सारी जिंदगी गलत काम करेंगे। इसलिए अच्छे आदमी के पास पैसा आएगा तो वो अच्छे काम में लगाएगा, बुरे आदमी के पास पैसा आएगा तो बुरे काम में लगाएगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान सदा अच्छे लोगों को ही धन दें ताकि वो सदा धन से धर्म करते रहें। जैसे कि हमारे भैया श्रीमान राजेश सिंघल जी, विपिन जी है ना, श्वेता ज्वेलर्स, मीरा ज्वेलर्स, भगवान से प्रार्थना कि इन्हें धन दें क्योंकि इन्हें धन मिलेगा तो ये धन से देखो समाज की सेवा कथा के द्वारा कर रहे हैं, खूब सारी सेवाएं करते हैं। अच्छे लोगों के पास धन होगा तो उनका धन कहां खर्च होगा? धर्म में। और गलत आदमी के पास, मेरठ में पैसे वालों की कमी थोड़ी है क्या? एक से बढ़कर एक है, लेकिन पैसा आपके पास कितना है मायने नहीं रखता, आप अपने धन को धर्म से कितना जोड़ते हैं ये मायने रखता। इसलिए अपने बच्चों को ये संस्कार देकर जाना विरासत में कि बेटा जो कमाना उसका 5% 4% सदा परोपकार के लिए रखना, इससे धन में सदा वृद्धि होगी। यदि धन से आप धर्म करना बंद कर देंगे तो आप देख लेना कि आप माइनस हो जाएंगे। धन तब बढ़ता है जब धर्म होता है, इसलिए धन से क्या करना चाहिए आपको? धर्म करना चाहिए। हमारे भैया श्री राजेश भैया जी वृंदावन में वृद्ध माओं के लिए भी इन्होंने बहुत सारी सेवाएं की, ठाकुर जी की सेवा, ये जो सिंहासन बैठे हैं ठाकुर जी को बैठने के सिंहासन की सेवा भी इन्होंने ही की है, जिस सिंहासन पर ठाकुर जी सुशोभित हो रहे हैं सिंहासन इन्होंने ही बनाकर ठाकुर जी को भेंट किया। तो ये सेवा करते रहते हैं और भी तमाम सेवा, ये भागवत जी के लिए सेवा इन्होंने दी, तो ये सेवाओं से जुड़े हैं और करते रहते हैं। इसलिए अच्छे लोगों के लिए भगवान से यही प्रार्थना, प्रभु अच्छे लोगों को धन धान्य से भरते रहिए ताकि ये धन को धर्म से जोड़ते रहें। आप भी अपने धन को यथा शक्ति यथा सामर्थ्य जोड़िएगा। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जो व्यक्ति धर्म की भावना रखता है उसके जीवन में कभी संकट नहीं आता। क्या नहीं आता मेरी मां? संकट। जीवन में जब आपको भगवान कुछ देने के लायक बनाए तो खुशी से दीजिएगा। जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि मैं अपने गांव में ना बचपन में गांव में घर घर जाके भिक्षा मांगा करता था। एक बार मैं किसी के घर भिक्षा मांगने गया तो उन्होंने कह दिया पंडित जी बाद में आना। उन्होंने क्या कहा? पंडित जी बाद में आना, शायद उनका मन देने का। और देता क्या था आदमी? जरा से कटोरी में चावल, जरा सा मुट्ठी दो मुट्ठी आटा, ये मिलता था भिक्षा में। हम बचपन में भिक्षा मांगते थे, भीख मांगते थे। एक सज्जन ने, एक मैया ने कह दिया महाराज बाद में आना, मतलब वो टालना चाहती थी। साहब मेरा सिद्धांत था कि जो देगा उसके पास जाऊंगा, देने का मन नहीं है। मैं दोबारा जब भी रोज रोज नहीं, कभी कभी भिक्षा मांगने, अच्छा भिक्षा हम मांगते तो थे पर मांग कर ले आते थे। आटा मिलता था भिक्षा में, चावल मिलता था और दाल मिलती थी, अक्सर दाल चने की ज्यादा मिलती थी। तो हमारे यहां जब तक वो आटा चलता था तब तक हम दोबारा भिक्षा में नहीं जाते थे। भाई है, ज्यादा मांग के रखेंगे तो खराब हो जाएगा।
कोई बेचने की भावना थी नहीं कि बेच के पैसे लाना ही नहीं, खाने के लिए लाते थे मांग कर। तो वाटा 10-15 दिन चलता था, तो जब तक चलता था तो नहीं जाते थे, खत्म हो जाए तो खत्म होने के 2 दिन पहले फिर भिक्षा में निकल जाते थे। माँ बता दिया करती थी कि अब राशन खत्म हो रहा, जाओ भिक्षा ले आओ। तो भिक्षा लेने हम जाया करते थे, तो पिछली बार जिसने मना कर दिया कि महाराज बाद में आना, सच्ची बताएं हम दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, हर 15 दिन में जाते थे, लेकिन उस घर में नहीं जाते थे। एक दिन वो घर की मालकिन हमें मिल गई, पंडित जी आप हमारे घर आते नहीं है भिक्षा लेने, क्या करें मैया, गुजारा हो जाता सब मिल जाता है। उसके बाद में उनके घर कभी नहीं गया। एक दिन वो रोती रोती आई, बोले आप हमारे घर भिक्षा लेने नहीं आते, क्या करें मैया आपके घर आप बिजी रहती हो, काम में आप व्यस्त रहती हो, क्या करें। बोले अब की बार आना। हमने कहा नहीं अब हो जाता, ठाकुर जी देते हैं। तो फिर उन्होंने, उनका भाव अब बना, अब उन्हें लगा कि देना चाहिए या जो भी प्रेरणा, पर हम गए नहीं। इससे एक सीख ली है हमने, आप लोग लेंगे कि नहीं, यदि ईश्वर ने हमें देने लायक बनाया है तो जरूर देना, क्योंकि देने लायक विधाता ने बनाया है। देने की सामर्थ्य किसके अंदर, किसने दी है, ईश्वर ने। यदि उसने देने के लायक ना बनाया होता तो बताओ आप क्या देते। आप दे रहे हैं, इस अभिमान को हटा दीजिए, आपसे ईश्वर दिला रहे हैं, ये सही है। हम और आप कुछ नहीं है करने वाले, इसलिए ये अभिमान ना रखो। यदि आपके घर कोई भिक्षा मांगने आए तो समझ लेना कि इस रूप में भगवान आ रहे हैं, आपके घर की कोई भिक्षा ले रहा है तो ये आप पर बिहारी जी की कृपा है, वरना आज के जमाने में कौन किसके घर भिक्षा मांगने जाता है।